ब्रसल्स के नेटो मुख्यालय पर 31वें सदस्य देश फिनलैंड का झंडा लहराया जा चुका है। ब्रसल्स में समारोह हुआ तो क्रेमलिन में सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई जा चुकी है। पुतिन नेटो विस्तार को रूस के लिए सबसे बड़े खतरा करार दे चुके हैं। क्रेमलिन ने फिनलैंड के खिलाफ एटमी तैयारी पूरी कर ली है। रूस ने नेटो के खतरे से निपटने के लिए 13 एटमी प्लान तैयार किया है। फिनलैंड से लेकर साइबेरिया तक रूस के स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन युद्ध के लिए तैयार कर दिए गए हैं। आसमान में रूस के बॉम्बर मंडरा रहे हैं। रूस और अमेरिका में सीधा टकराव कभी भी शुरू हो सकता है। धरती पर अभी तक के सबसे बड़े खतरे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। रूस यूक्रेन युद्ध छिड़ने का मूल कारण था रूस का वर्चस्व बनाम नेटो का विस्तार। जिस विस्तार को रोकने के लिए पुतिन ने यूक्रेन की सीमा लांघी थी, नेटो का वो विस्तार रूस की सीमा तक पहुंच चुका है। चार अप्रैल को बेल्जियम के ब्रसल्स शहर में उत्सव हुआ। फिनलैंड का झंडा नेटो देशों के 30 झंडों के साथ लहराते ही फिनलैंड आधिकारिक तौर पर नेटो का सदस्य बन गया। फिनलैंड ने 18 मई 2022 को स्वीडन के साथ नेटो में शामिल होने का आवेदन दिया था। खास बात यह है कि फिनलैंड 4 अप्रैल को नेटो में शामिल हुआ और 1949 में 4 अप्रैल का ही वो दिन था जब नेटो की नींव रखी गई थी। अमेरिका के थिंक टैंक और जियोपॉलिटिक्स पर पकड़ रखने वाले संस्थान कह रहे हैं कि फिनलैंड के नेटो में शामिल होने से एटमी युद्ध छिड़ने का खतरा बढ़ गया है। ब्रसल्स का ये जश्न कब न्यूक्लियर विनाश में बदल जाएगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। क्योंकि पुतिन ने 30 जून को ही चेतावनी जारी कर दी थी कि अगर फिनलैंड और स्वीडन नेटो के सदस्य बनकर रूस के लिए खतरा बने तो उन पर भी एटमी खतरा मंडराने लगेगा। इस खतरे के बढ़ते सबूत नजर भी आने लगे हैं। रूस ने 3 मोर्चों पर न्यूक्लियर तैयारी पूरी कर ली है। रूस के पश्चिमी क्षेत्र कैलिनिनग्राद में वायुसेना ने युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। बेलारूस को न्यूक्लियर हमले के लिए तैयार कर दिया गया है। साइबेरिया में रूस की यार्स मिसाइलों के कमांड स्टाफ की एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है। ये है रूस का TU-95 बॉम्बर और फाइटर जेट। जिन्हें न्यूक्लियर हमला करने के लिए तैयार कर दिया गया है। कैलिनिनग्राद में रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर और फाइटर जेट युद्धाभ्यास में जुट गए हैं। फाइटर जेट से टारगेट पर मिसाइल हमले की प्रैक्टिस की जा रही है। न्यूक्लियर बॉम्बर से बम ड्रॉप करने का अभ्यास जारी है। रूस पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी बॉर्डर पर अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने में जुट गया है। फिनलैंड के नजदीक इस क्षेत्र में रूस के स्ट्रैटेजिक हथियार और सैन्य टुकड़ियां तैनात की जा रही हैं। रूस अपनी सैन्य तैनाती बढ़ाने में जुट गया है क्योंकि फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के बाद नेटो प्रमुख ने बड़ा बयान दिया है और रूस ने उस पर बड़ा पलटवार भी किया। नेटो प्रमुख जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध से पुतिन नेटो विस्तार रोकना चाहते थे लेकिन उल्टा हुआ। इसके जवाब में क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि नेटो का विस्तार रूस की सुरक्षा पर अतिक्रमण है। रूस नेटो की हथियार तैनाती से खतरे की समीक्षा कर कड़े कदम उठाएगा। कड़े कदम उठाने के इशारे से साफ है कि अब यूक्रेन के मोर्चे के साथ साथ फिनलैंड के बॉर्डर पर भी जंग शुरू हो सकती है।
क्योंकि फिनलैंड में नेटो हथियारों की तैनाती का मतलब होगा रूस पर एटमी खतरा बढ़ना। कैलिनिनग्राद में रूस ने अमेरिका के खिलाफ न्यूक्लियर तैनाती कर दी है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन और यूरोप के लिए भी न्यूक्लियर डेंजर खड़ा कर दिया है। रूस ने बेलारूस में इस्कैंडर मिसाइलें तैनात कर दी। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने कहा है कि बेलारूस इस्कैंडर से न्यूक्लियर मिसाइल स्ट्राइक के लिए तैयार है। बेलारूस के फाइटर जेट एटमी हमला करने के लिए अपग्रेड हो चुके हैं, इनमें टैक्टिकल न्यूक्लियर हमला किया जा सकता है। बेलारूस के रक्षा मंत्रालय ने बेलारूसी सेनाओं की युद्ध की तैयारी के बारे में बताया है कि युद्ध की तैयारी के फाइनल चेक पूरे कर लिए गए हैं। यानी बेलारूस भी युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। पुतिन का इशारा मिलते ही यूक्रेन और फिनलैंड दोनों मोर्चों पर बारूदी बरसात शुरू हो सकती है। रूस ने भी अपनी ग्लोबल मिसाइल स्ट्राइक फोर्स को युद्ध के लिए तैयार कर दिया है। रूस की ग्लोबल मिसाइल स्ट्राइक फोर्स का युद्धाभ्यास पूरा हो चुका है। यार्स और सरमत मिसाइलों को साइबेरिया के लॉन्च पैड पर तैनात कर दिया गया है। रूस की ये विश्व विनाशक मिसाइलें युद्ध के लिए तैयार हैं। तीन मोर्चों पर पुतिन की आटमी तैयारी पूरी हो चुकी है। पहला मोर्चा है फिनलैंड बॉर्डर पर बड़ी सैन्य तैनाती, दूसरा मोर्चा है बेलारूस से टैक्टिकल न्यूक्लियर हमले की तैयारी, तीसरा मोर्चा है अमेरिका तक मार करने वाली यार्स मिसाइलों की तैनाती। पुतिन की न्यूक्लियर तैनाती को अमेरिका के थिंक टैंक भी सबसे गंभीर खतरा मान रहे हैं। वॉर एनालिस्ट वर्ल्ड सोशलिस्ट वेबसाइट के मुताबिक फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के बाद अमेरिका और रूस में एटमी युद्ध की आशंका बढ़ गई है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक सबसे बड़ा एटमी खतरा मंडरा रहा है। पुतिन के अगले कदम का अंदाजा अमेरिका भी सही सही नहीं लगा सकता। पुतिन कब किस मोर्चे से न्यूक्लियर हमला शुरू कर देंगे कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ब्रसल्स में मौजूद नेटो के हेडक्वार्टर पर जैसे ही फिनलैंड का झंडा लहराया, वैसे ही नेटो के उन सात देशों पर सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है जिनके बॉर्डर रूस से जुड़े हुए हैं, क्योंकि रूसी सेना के जंगबाजों का सीरियल बारूदी एक्शन शुरू हो चुका है। बाल्टिक और नॉर्डिक के सात देश रूसी बारूद और मिसाइलों से थर्रा रहे हैं। बाल्टिक सी से बैरेंट्स सी तक पुतिन की इस घेरेबंदी ने दुनिया के इतिहास के सबसे भीषण बारूदी कोहराम की घंटी बजा दी है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर नेटो के उन सात देशों का क्या होगा और क्या इन्हीं सात देशों से विश्व विनाश का पहला विस्फोट होने जा रहा है। देखिए इस सुपर विस्फोटक रिपोर्ट। रूस यूक्रेन जंग के बीच पहली बार रूस ने कुछ ऐसा किया है जिसे देख हर कोई सन्न है। यूक्रेन तो छोड़िए, नेटो देशों तक की जान हलक में अटक गई है। वही यूरोप से लेकर अमेरिका तक सनसनी फैल गई है। हर किसी के जहन में सिर्फ एक ही सवाल कौंध रहा है, आखिर पुतिन चाहते क्या है? 2023 में उनका विस्फोटक प्लान क्या है? क्या रूस यूक्रेन युद्ध जल्द ही एटमी वॉर की शक्ल लेगा? या फिर जो हश्र यूक्रेन का हुआ उससे भी भयावह मंजर नेटो के सात देशों में होगा। दरअसल बाल्टिक सी से बैरेंट्स सी तक, नीले समंदर से बैटल ग्राउंड तक, आसमान वाले एयरफील्ड से बॉर्डर वाले कॉन्फ्लिक्ट जोन तक रूस ने ऐसे विनाशकों को झोंक दिया है जिनका सिर्फ एक मकसद है, बारूदी तबाही मचाना, दुश्मन खेमे पर विध्वंसक प्रहार करना, सब कुछ तहस नहस करना।
रूसी डिफेंस की तरफ से जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक रूसी डिफेंस ने बाल्टिक सी से बैरेंट सी तक युद्धाभ्यास का आगाज किया, जहां रूस की वायुसेना बाल्टिक सी से सटे कैलिनिन ग्राद में ड्रिल कर रही है, तो वही रशियन नेवी की बैरेंट सी के ड्राई जंक्शन पर एक्सरसाइज जारी है। जानते हैं दो समंदर में पुतिन की जल योद्धाओं और आसमानी जंगबाजों ने मोर्चा क्यों संभाला है? बाल्टिक और बैरेंट सी से सटे फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के चलते रूसी बॉर्डर के पास नेटो की मौजूदगी के चलते, जी हां, पुतिन का ये दांव असल में फिनलैंड के नेटो में शामिल होने का आफ्टर इफेक्ट है, क्योंकि फिनलैंड के नेटो सदस्य बनने का मतलब है रूस के बॉर्डर पर नेटो के हथियारों की तैनाती। आखिर कैसे, इस एनिमेशन के जरिए बताते हैं। दरअसल फिनलैंड के सदस्य बनते ही नेटो का 1340 किलोमीटर सीमा विस्तार हो गया है, क्योंकि इस देश की 1340 किलोमीटर लंबी सीमा रूस के साथ सटी हुई है। खास बात यह है कि फिनलैंड का बॉर्डर कोला पेनिनसुला से सटा है। कोला में रूस का न्यूक्लियर बेस और आर्कटिक नेवल बेस है। ऊपर की तरफ नॉर्वे है जो पहले से नेटो का सदस्य है और इसकी सीमा भी कोला से सटी है, यानी बाइडेन और नेटो ने रूस के एक अहम न्यूक्लियर बेस की घेराबंदी कर दी है, लिहाजा रूसी डिफेंस अब एक्शन में आ गया है। और जिस तरह पुतिन ने बाल्टिक सी से बैरेंट सी तक वॉर एक्सरसाइज की है, जिस तरह अपने विनाशक जंगबाजों और डेडली वेपन्स की तैनाती की है, उससे ये साफ हो चुका है फिनलैंड तो फिनिश होगा ही, मगर इसके साथ बाल्टिक टू नॉर्डिक भी दुनिया पुतिन का एटमी ताप देखेगी, सात देशों को दुनिया के नक्शे से साफ देखेगी। और जानते हैं वो मुल्क कौन कौन से हैं? बाल्टिक सी के पास मौजूद पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, वही बाल्टिक सी और बैरेंट सी के बीच मौजूद फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे, यही वो सात देश हैं जो मौजूदा वक्त में पुतिन के लिए सिरदर्द बन चुके हैं। लेकिन अब पुतिन इन देशों से उठ रहे खतरे को जड़ से खत्म करने की तैयारी कर चुके हैं और इसके लिए पुतिन ने बड़ा दांव खेला है। वो ये कि बाल्टिक सागर के दक्षिणी छोर पर मौजूद कैलिनिनग्राद में रूसी वायुसेना का युद्धाभ्यास करना, ताकि पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया पर दबाव बनाया जा सके। वही बैरेंट सी में नॉर्वे और फिनलैंड के ट्राई जंक्शन से करीब 180 किलोमीटर दूर रूसी नौसेना के जंगी बेड़े, युद्ध पोतों और सबमरीन के साथ युद्धाभ्यास करना। इतना ही नहीं, फिनलैंड बॉर्डर से करीब 30 मील की दूरी पर रूस ने अलाकृति मिलिट्री बेस को भी तैयार किया है, ताकि नेटो की तरफ से किसी भी तरह की कोई हिमाकत हो तो फौरन एक्शन लिया जा सके। रूस का यूं आक्रामक होना इसलिए भी जायज है क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच फिनलैंड तो नेटो में शामिल हो ही चुका है, चंद हफ्तों के भीतर स्वीडन भी नेटो का सदस्य बन सकता है। यकीन मानिए, अगर ऐसा हुआ तो नॉर्डिक समूह के सभी देश नेटो मेंबर बन जाएंगे, क्योंकि नॉर्डिक शब्द नॉर्दर्न से बना है जिसका मतलब होता है उत्तर, और इस नॉर्डिक समूह में पांच देश हैं जो उत्तरी यूरोप के हैं, पहला डेनमार्क, दूसरा स्वीडन, तीसरा फिनलैंड, चौथा नॉर्वे और पांचवा आइसलैंड। स्वीडन को छोड़ दें तो बाकी चारों मुल्क उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का हिस्सा हैं। ऐसे में रूस की उत्तर पश्चिम फ्रंट से पूरी तरह से घेराबंदी हो सकती है। बस इसी वजह के चलते पुतिन भड़के हुए हैं, इसी वजह के चलते रूस ने दो समंदर में युद्धाभ्यास का ऐलान किया है, ताकि डरा धमका कर बाल्टिक और नॉर्डिक देशों पर दबाव बनाया जा सके। लेकिन अब भी नेटो के ये सात देश नहीं माने तो ये बात पूरी दुनिया जानती है कि नेटो में शामिल होने की जिद यूक्रेन पर कितनी भारी पड़ी है। ऐसे में बाल्टिक और नॉर्डिक देशों को भी पुतिन के एटमी प्रकोप का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन ने रूसी सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हवजा तोपों से रूस पर बरसाए हैं गोले, यूक्रेनी हमले में रूसी ठिकाना पूरी तरह से तबाह हो गया। यूक्रेन ने रूसी हथियार डिपो के पर खच्चे उड़ा दिए। यूक्रेन ने ड्रोन से लगाया था सटीक लोकेशन का अंदाजा।
रूस का अगला टारगेट फिनलैंड हो सकता है और फिनलैंड को रूस से बचाने की जिम्मेदारी भी अमेरिका पर है। फिनलैंड पर हमले का मतलब अमेरिका को सीधी चुनौती होगी और यही वजह है कि रूस एक बड़े युद्ध की तैयारी में जुट गया है। रूस तेजी से समंदर में अपनी ताकत को बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ हथियारों का प्रोडक्शन भी तेज कर दिया गया है। रूस की प्लानिंग को देखते हुए अमेरिकी सेना भी अपनी ताकत बढ़ा रही है, मिसाइलों की बड़ी खेप तैयार करने का ऑर्डर दिया गया है। रूस और अमेरिका की तैयारी ऐसी है कि भविष्य में एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ा जा सके। यूक्रेन में युद्ध जारी है और अब एक महायुद्ध की भी तैयारी है। दुनिया के दो ताकतवर देशों की प्लानिंग और एक्शन से अब ये यकीन होने लगा है कि यूक्रेन युद्ध का दायरा बहुत बड़ा हो सकता है। पिछले एक साथ जो आशंकाएं हैं वो सच साबित हो सकती हैं। अब सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि अमेरिका भी हथियारों का जखीरा जुटा रहा है, समंदर में तैनाती बढ़ती जा रही है। ऐसे कई संकेत मिल रहे हैं जिससे अंदाजा हो रहा है कि रूस अमेरिका दोनों एक बहुत बड़ी युद्ध की तैयारी में है। महाशक्तिशाली देशों की लिस्ट में शामिल रूस 2023 में और ज्यादा ताकतवर होने वाला है। ऐसे ऐसे हथियार तैयार हैं जो रूस की न्यूक्लियर पावर को दोगुना तीन गुना करने जा रहे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रखने वाला देश अब ऐसे बॉम्बर, सबमरीन और मिसाइलों से लैस होने जा रहा है जिससे दुनिया में कहीं परमाणु बम वाली तबाही मचाई जा सकती है। पिछले साल दिसंबर में रूस ने एम्परर अलेक्जेंडर थर्ड न्यूक्लियर सबमरीन क्रूजर को लॉन्च किया था। बोरोई क्लास की यह पनडुब्बी अब रशियन नेवी को मिलने वाली है। पनडुब्बी 16 बुलावा बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है। इन मिसाइलों को एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम पकड़ नहीं सकता। सबमरीन में 533 mm का 6 टॉर्पीडो ट्यूब लगाया गया है। परमाणु शक्ति से चलने वाली पनडुब्बी महीनों पानी में रह सकती है। ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के बाद भी रूस अगले दो साल में समंदर में बेहद ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। रूस की मीडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 तक रूस पनडुब्बी की एक नई डिवीजन तैयार करेगा। रूस की सभी पनडुब्बियां परमाणु हमला करने में सक्षम होंगी। रूस की सबमरीन पोसाइडन सुपर टॉर्पीडो से लैस होगी। रूस की प्लानिंग के मुताबिक 2024 के अंत तक रशियन नेवी को नई सबमरीन की खेप मिलने लगेगी। रूस का मिशन 2025 तक बेहद ताकतवर सबमरीन को प्रशांत महासागर के बेड़े में शामिल करना है। जनवरी में रूस ने नई न्यूक्लियर सबमरीन जे सुवोरोव को भी नेवी में शामिल किया है। यह पनडुब्बी बोरोई ए प्रोजेक्ट की दूसरी पनडुब्बी है। इसमें कई मिसाइल, टॉर्पीडो, नेविगेशन सिस्टम और सोनार सिस्टम लगाए गए हैं। यह रूसी पनडुब्बी चौथी पीढ़ी की मानी जाती है और इसे समंदर की गहराई में लोकेट कर पाना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा रूस की सामरिक मिसाइल फोर्स को आईसीबीएम के साथ 22 लॉन्चर मिलेंगे जिनमें यार्स मिसाइल भी शामिल है। रूस की वायुसेना भी लगातार खुद को अपडेट कर रही है। ये रूस का TU-160M बॉम्बर है। ये बॉम्बर परमाणु और दूसरे पारंपरिक हथियारों से हमला करने में सक्षम है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि TU-160M दुनिया का सबसे भारी सुपरसोनिक सैन्य विमान है। TU-160M स्ट्रैटेजिक बॉम्बर का प्रोडक्शन तेज कर दिया गया है। तीन स्ट्रैटेजिक बॉम्बर रशियन एरोस्पेस फोर्स को मिलने वाले हैं। TU-160M के अलावा TU-95MS का प्रोडक्शन भी पहले के मुकाबले दोगुनी स्पीड से हो रहा है। रूस ने अपने अटैक हेलीकॉप्टर को भी अपग्रेड कर लिया है। रूसी सेना ने अपने KF-52M का इस्तेमाल युद्ध की शुरुआत से किया है और अब ये हेलीकॉप्टर और ज्यादा घातक हो गया है।
नया हेलीकॉप्टर कामो 52M कॉम्पोजिट हीटेड रोटर ब्लेड्स और एक बेहतर एयरबॉर्न डिफेंस सिस्टम से लैस है। ये हेलीकॉप्टर को मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम से बचाता है। हथियारों के प्रोडक्शन की देखरेख रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगू कर रहे हैं। सोमवार को रूसी रक्षा मंत्री हथियारों की फैक्ट्री में पहुंचे और प्रोडक्शन की रफ्तार की जानकारी ली। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एक बार फिर नाटो देशों को चेतावनी दी है। लावरोव ने कहा है कि रूस को नाटो को हद में रखने के लिए सख्त फैसले लेने होंगे। रूस की आक्रामकता को देखते हुए तैयारी अमेरिका में भी चल रही है। अमेरिकी सेना ने लॉकहीड मार्टिन नाम की कंपनी को ज्वाइंट एयर टू ग्राउंड मिसाइल और हेल फायर मिसाइलों को ऑर्डर दिया है। यूएस आर्मी ने लॉकहीड मार्टिन कंपनी को $4.5 बिलियन का ऑर्डर दिया है। कंपनी मिसाइलों के प्रोडक्शन की तैयारी शुरू कर चुकी है। अमेरिका की सेना को करीब 3 महीने बाद से ही मिसाइलों की सप्लाई मिलने लगेगी। लॉकहीड मार्टिन की ज्वाइंट एयर टू ग्राउंड मिसाइल को हेलीकॉप्टर या ड्रोन से भी फायर किया जा सकता है। अमेरिका की नेवी भी यूक्रेन युद्ध के बाद से लगातार एक्टिव है। अमेरिका ने अपनी नेवी को फिलहाल 3 अहम लोकेशन पर अलर्ट रखा है। रूस के अलावा नॉर्थ कोरिया और दक्षिण चीन सागर पर लगातार अमेरिकी नेवी की नजर है। अमेरिका की लिस्ट में अब ईरान भी है। अमेरिका की नेवी ने इसराइल के करीब आकर ईरान को चेतावनी दी थी। अमेरिका की वायुसेना ने भी खुद को युद्ध के लिए तैयार रखा है। अमेरिका की वायुसेना साउथ कोरिया के साथ कई बार युद्धाभ्यास कर चुकी है। अमेरिका और रूस में जिस तेजी से हथियारों का प्रोडक्शन जारी है, उससे अंदाजा हो रहा है कि दोनों देश खुद को एक बड़े युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन के हमले का रूस ने दिया है विध्वंसक जवाब। इस वक्त की बड़ी खबर, क्रिमिनिया में रूस ने दागे हैं ताबड़तोड़ रॉकेट। घातक टॉस-1 रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया। हमले में यूक्रेन आर्मी के कई ठिकाने पूरी तरह से तबाह कर दिए गए। वोलोदर में भी रूसी सेना का प्रचंड प्रहार देखने को मिला है। यूक्रेन ने मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से किए हैं हमले। 6 फुटबॉल के ग्राउंड जितने इलाके को दहला दिया। यूक्रेन ने एक साथ रूस के 50 ठिकानों को उड़ा दिया। नेटो में शामिल होने की जिद यूक्रेन पर कितनी भारी पड़ी, ये दुनिया देख चुकी है। बावजूद इसके फिनलैंड नेटो में शामिल हुआ। रूस की तमाम धमकियों और चेतावनियों को धुएं में उड़ाते हुए, लेकिन कैसे? क्या वाकई फिनलैंड इतना ताकतवर है कि वो रूस जैसे महाबली का सामना कर पाएगा? क्या वाकई फिनलैंड की सेना में वो दमखम है जो रूसी ब्रिगेड के आगे टिक पाएगी? क्या वाकई फिनलैंड का रक्षा कवच इतना मजबूत है कि वो रूस विनाशकों के प्रहार को झेल पाएगा? क्या वाकई फिनलैंड में इतना मादा है कि वो 8 दशक पुराने अतीत को बदल पाएगा? आप भी देखिए। दुनिया का सबसे खूबसूरत और खुशहाल देश फिनलैंड, क्योंकि दुनिया में हालात भले कैसे ही रहें, मगर फिनलैंड में शांति और सुकून हर वक्त मौजूद रहता है। शायद तभी तो फिनलैंड को धरती का सबसे हैप्पीएस्ट जोन कहा जाता है। मगर अब फिनलैंड पर बड़ा संकट मंडराने वाला है। जल्द ही यूरोप का ये देश विध्वंसक हथियारों की गूंज से दहलने वाला है। आशंका तो ये तक जताई जा रही है कि अगर फिनलैंड ने अपने मुल्क में नाटो सेना की एंट्री की, तो यकीन मानिए यूक्रेन के बाद महाबली रूस का नेक्स्ट वॉर गेम फिनलैंड में शुरू हो सकता है, जिसका मतलब ये कि चंद घंटों में फिनलैंड फिनिश। क्योंकि इससे पहले भी रूस 2 बार फिनलैंड को युद्ध में हरा चुका है। दरअसल बात दूसरे विश्व युद्ध के दौरान की है, जब सोवियत संघ और जर्मनी आमने सामने थे। दरअसल साल 1939 में सोवियत संघ को जर्मनी पर हमला करना था, मगर जर्मनी पर चढ़ाई का रास्ता फिनलैंड से होकर जा रहा था। ऐसे में यूएसएसआर ने फिनलैंड से सैन्य डिप्लॉयमेंट के लिए रास्ता मांगा,
मगर फिनलैंड ने पुरानी रंजिश के चलते यूएसएसआर को इनकार कर दिया। बस फिर क्या, जर्मनी से पहले यूएसएसआर ने फिनलैंड पर धावा बोल दिया। में फिनलैंड और सोवियत संघ के बीच हुए इस युद्ध को विंटर वॉर के नाम से जाना जाता है। भले ही इस युद्ध में रूस की ताकतवर सेना के आगे फिनलैंड को हार का सामना करना पड़ा, मगर इस युद्ध में फिनलैंड के आम लोगों की गोरिल्ला आर्मी ने यूएसएसआर के खिलाफ लड़कर बड़ी मिसाल कायम की। ठीक इसी तरह साल 1941 में यूएसएसआर और फिनलैंड के बीच युद्ध हुआ, जिसे कॉन्टिन्यूएशन वॉर के नाम से जाना जाता है। करीब 3 सालों तक चले इस युद्ध में भी फिनलैंड जैसे अदने से मुल्क ने सोवियत संघ का बखूबी सामना किया। जानते हैं क्यों? फिनलैंड की तैयारी के चलते, सॉलिड युद्ध प्लान के चलते, आखिर कैसे, ये भी जानते हैं। से फिनलैंड ने युवाओं के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी की। मिलिट्री ट्रेनिंग के बाद आम लोगों की गोरिल्ला आर्मी तैयार की गई। फिनलैंड ने युद्ध के दौरान अर्बन वॉरफेयर तकनीक का इस्तेमाल किया। फिनलैंड की सेना ने अलग अलग टेरेन से पोजीशनिंग अटैक भी किया। बीते 8 दशकों से फिनलैंड इसी वॉर स्ट्रेटेजी के तहत काम कर रहा है, अपनी सेना को तैयार कर रहा है, अपने सुरक्षा कवच को मजबूत कर रहा है, ताकि ताकतवर दुश्मन से सामना कर सके, उसके खिलाफ पुख्ता प्लानिंग से जंग लड़ सके। लिहाजा रूस के लिए इस बार फिर फिनलैंड पर फतेह पाना आसान नहीं, वो भी तब जब उसके साथ नाटो जैसे ताकतवर सैन्य संगठन का साथ हो। हैरान करने वाली बात यह है कि यूक्रेन तो सिर्फ नाटो में शामिल होने की जिद ही कर रहा था, लेकिन तब भी पुतिन ने यूक्रेन को तबाह कर दिया। मगर फिनलैंड तो नाटो में शामिल हो चुका है, वो भी रूस की लाख चेतावनियों और धमकियों के बाद। इसका मतलब साफ है कि फिनलैंड भी रूस से आर पार की जंग लड़ने के लिए कमर कस चुका है। अगर ऐसा हुआ तो फिर या तो इतिहास दोहराया जाएगा या फिर फिनलैंड अपने दम पर इतिहास बदल देगा। अमेरिका में पहली बार ऐसा हो रहा है कि राष्ट्रपति रहे किसी व्यक्ति पर क्रिमिनल कोर्ट में आरोप तय होने वाले हैं। आज पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को न्यूयॉर्क के क्रिमिनल कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस मामले में अमेरिका में हलचल मचा रखी है। न्यूयॉर्क में ट्रंप समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है। ट्रंप टावर से लेकर मैनहट्टन के क्रिमिनल कोर्ट तक ट्रंप समर्थक डटे हुए हैं। ट्रंप के कोर्ट में पेशी से पहले शहर में 35,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। सवाल यह है कि क्या आने वाले दिनों में ट्रंप को जेल हो जाएगी, और जेल हुई तो क्या वो राष्ट्रपति चुनाव लड़ पाएंगे? देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पॉर्न स्टार टॉमी डेनियल्स के रिश्ते ने अमेरिका के आम आदमी से लेकर व्हाइट हाउस तक एक स्टॉर्म शुरू कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी इतिहास में पहले ऐसे पूर्व राष्ट्रपति हैं जिनके खिलाफ कोर्ट ने आपराधिक मामले में अभियोग तय किया है। हालांकि ट्रंप के लिए कोर्ट कचहरी और कानून विवाद नए नहीं, लेकिन ये मामला ऐसे समय में आया है जब वो 2024 में होने जा रहे राष्ट्रपति चुनावों के लिए अपनी उम्मीदवारी का ऐलान और चुनाव प्रचार शुरू कर चुके हैं। बीते गुरुवार को ग्रैंड जूरी ने हश मनी केस में ट्रंप के ऊपर अभियोग लगाया था। पॉर्न स्टार से रिलेशन के चलते ट्रंप की टेंशन बढ़ गई है। 2006 में पॉर्न स्टार टॉमी डेनियल्स के साथ रिश्ते बनाए थे। 2012 में इंटरव्यू देने पर ट्रंप ने डेनियल्स को चेतावनी दी थी। 2016 में राष्ट्रपति चुनाव से पहले डेनियल्स को मोटी रकम दी। मुंह बंद रखने के लिए डेनियल्स को $1,30,000 दिए गए। ट्रंप ने वकील माइक कोहेन के जरिए पॉर्न स्टार को पैसे भिजवाए थे।
ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने पॉर्न स्टार को दिए पैसे लीगल फीस बताए। दस्तावेज में हेरफेर करने के मामले में डोनाल्ड ट्रंप फंस गए। स्टॉर्मी से रिश्तों के चलते ट्रंप की तीसरी शादी भी खतरे में पड़ती दिख रही है। ट्रंप की दो शादियां पहले टूट चुकी हैं और तीसरी शादी उन्होंने मेलानिया ट्रंप से की थी। जब शादी हुई तो ट्रंप 58, मेलानिया 34 साल की थी। 2005 में ट्रंप ने मेलानिया से शादी की और 2006 में पॉर्न स्टार से अफेयर शुरू हो गया। अफेयर से दो महीने पहले ही ट्रंप और मेलानिया के बेटे का जन्म हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप की निजी जिंदगी से लेकर उनकी राजनीतिक जिंदगी भी स्टॉर्मी से रिश्ते के चलते दांव पर लगी। अमेरिका के इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी पूर्व राष्ट्रपति पर मुकदमा चलाने के लिए आम सहमति बनी। ट्रंप अपने ऊपर लगे आरोपों को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि बाइडेन के इशारे पर उन्हें झूठे केस में फंसाया जा रहा है। ट्रंप पर दोष सिद्ध हुए तो उन्हें जेल हो सकती है, 4 साल की सजा भुगतनी पड़ सकती है। सवाल ये कि क्या जेल में रहते डोनाल्ड चुनाव लड़ पाएंगे? ट्रंप के जेल जाने का असर राष्ट्रपति चुनाव पर नहीं पड़ेगा। अमेरिकी संविधान या कानून में जेल से चुनाव लड़ने पर पाबंदी नहीं है। सवाल ये कि अगर ट्रंप चुनाव जीते तो क्या होगा? राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर भी ट्रंप को सजा पूरी करनी होगी। बतौर राष्ट्रपति वो जेल से सरकार चला सकते हैं। ट्रंप जब राष्ट्रपति चुनाव हारे थे तो अमेरिका में दंगा भड़क गया था। कैपिटल गेट कांड के तौर पर उसे आज भी याद किया जाता है। अब आशंका है कि ट्रंप समर्थक एक बार फिर अशांति फैला सकते हैं। इस वक्त अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के सबसे बड़े चेहरे ट्रंप ही हैं। मिड इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी सीनेट में बहुमत प्राप्त कर चुकी है। आने वाले चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी ट्रंप को उम्मीद के तौर पर देख रही है। इसीलिए ये काला अध्याय अमेरिका की राजनीति का सबसे बड़ा विवाद बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। LAC पर चीन खुराफात से बाज नहीं आ रहा। घुसपैठ का मुंहतोड़ जवाब मिलने के बाद अब ड्रैगन ने एक और चाल चली है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 11 इलाकों का नाम बदल दिया है। चीन ने ऐसा पहली बार नहीं किया, दो बार और चीन अरुणाचल के इलाकों के नाम बदल चुका है, लेकिन इसके बाद भारत की तरफ से चीन को करारा जवाब दिया गया है। हिंदुस्तान के जिस राज्य में सबसे पहले सूरज का उजाला होता है, वहां रात का एक एक पल भी संगीन पहरे में क्यों बीतता है, ये दुनिया ने फिर देख लिया। क्यों इन पहाड़ों को काटकर सड़कें बनाई गई? क्यों यहाँ टनल बनाए गए? क्यों अरुणाचल में सेना के इतने ट्रक नजर आते हैं? उसका जवाब फिर मिला है। जिनपिंग ने फिर जता दिया कि वो एक भरोसेमंद पड़ोसी कभी नहीं बन सकते। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 11 इलाकों के नाम बदलकर लिस्ट जारी की है। ये तीसरी बार है जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश की जगहों का नाम बदला है। 2017 में अरुणाचल प्रदेश के 6 इलाकों के नाम बदले गए थे। 2021 में अरुणाचल के 15 इलाकों के नाम बदले गए थे। चीन अरुणाचल प्रदेश के 90,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर दावा करता है। ग्लोबल टाइम्स ने सोमवार को अपनी एक रिपोर्ट में बदले नामों की लिस्ट को छापा है। चीन की सरकार ने अरुणाचल की 5 चोटियों और 2 नदियों का नाम भी बदला है। 2022 के दिसंबर में तवांग सेक्टर में LAC पर भारत और चीनी सैनिकों के बीच आमना सामना हुआ था। तवांग से चीन की सेना को वापस लौटना पड़ा था, लेकिन अरुणाचल के इस इलाके में चीन तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहा है। भारत की सेला तवांग रणनीतिक सड़क के पास PLA ने शियाको कांग में नया बेस बनाया है। PLA ने शियाको कांग से तत्सोना, जोंग और बुमला को जोड़ने वाली सड़क को नए सिरे से बनाया है। 1962 के युद्ध में चीन ने तवांग पर कब्जा कर लिया था, लेकिन LAC पर समझौते की वजह से चीन को यह इलाका छोड़ना पड़ा था। अरुणाचल में चीन की सेना को जवाब देने की पूरी तैयारी है। तवांग भारत के लिए भी बेहद अहम है, इसलिए गलवान कांड के बाद यहाँ भारत ने मजबूत तैयारी और तैनाती की है। तवांग की फ्रंट चौकियों के करीब हेलीपैड बनाने का काम जारी है, ताकि तवांग में चिनूक हेलीकॉप्टर आसानी से उतर सके। पिछले साल सितंबर में भारतीय सेना ने M777 अल्ट्रा लाइट होविट्ज़र को अरुणाचल प्रदेश में LAC के करीब पहाड़ी इलाकों में तैनात किया था। अरुणाचल में चीन चाहकर भी गड़बड़ी नहीं कर सकता है। यही वजह है कि चीन की सरकार ने यहाँ की जगहों के नामों को बदलकर अपनी भड़ास निकालने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अमेरिकी सैटेलाइट की मदद से यूक्रेन हो या फिर ताइवान,
अपने प्रतिद्वंदी रूस और चीन के सैन्य ठिकानों की निगरानी कर रहे थे, खुफिया जानकारी जुटा रहे थे। मगर इसी बीच चीन ने एक ऐसे हाई एनर्जी वाले हथियार को तैयार किया है जिसकी मदद से सिर्फ आसमान में ही नहीं बल्कि स्पेस तक सटीक और विध्वंसक प्रहार किया जा सकता है। यकीन मानिए, ड्रैगन के इस साइलेंट किलर का एक प्रहार दुश्मन खेमे में खलबली मचा सकता है। ड्रोन, लड़ाकू विमान या फिर बड़े से बड़े सैटेलाइट को जलाकर राख कर सकता है। आखिर कैसे, आप ही देखिए। किसी लेजर की तरह चमकने वाली पीली सी रोशनी जिसका एक प्रहार बड़े से बड़े सैटेलाइट को जलाकर राख कर सकता है। हवा में उड़ते ड्रोन लड़ाकू विमान को खाक कर सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा साइलेंट किलर है जो हाई एनर्जी से लैस, वो भी कई लाख वॉट की। जानते हैं, जिनपिंग ने ऐसे ही विनाशक हथियार को तैयार करने का दावा किया है जिसका मकसद है अमेरिका के कम्युनिकेशन सिस्टम को तोड़ना। ताइवान और यूक्रेन को बेबस और लाचार बनाना, बिना गोला बारूद दागे, बिना जंग में हिस्सा लिए रूस को यूक्रेन पर जीत दिलवाना। जी हाँ, चीनी साइंटिस्ट ने एक एंटी सैटेलाइट माइक्रोवेव वेपन को तैयार करने का दावा किया है। और जानते हैं चीन इसका इस्तेमाल कहाँ करेगा? अमेरिका के स्टारलिंक सैटेलाइट को तहस नहस करने के लिए। जानते हैं क्यों? यूएस के स्टारलिंक सैटेलाइट से यूक्रेन ताइवान को मदद मिल रही है। इसके जरिए रूस चीन के सैन्य ठिकानों का पता लगाया जा रहा है। सैटेलाइट के इस्तेमाल से मिलिट्री लोकेशन को ट्रेस किया जा रहा है। अमेरिका के स्टारलिंक सैटेलाइट की मदद से यूक्रेन और ताइवान को काफी मदद मिल रही है। ऐसे में चीन ने एंटी सैटेलाइट माइक्रोवेव वेपन को तैयार किया है जो डायरेक्ट एनर्जी के जरिए स्पेस में मौजूद सैटेलाइटों को तहस नहस कर सकता है। इतना ही नहीं, इस माइक्रोवेव वेपन के जरिए लड़ाकू विमानों और ड्रोन को भी टारगेट किया जा सकता है। क्योंकि चीन का माइक्रोवेव वेपन 10 गीगाबाइट की ताकत से लैस है। ये साइलेंट किलर 10 प्लस प्रति सेकंड की फ्रीक्वेंसी से अटैक करता है। इससे निकलने वाली बीम किसी भी टारगेट को राख कर सकती है। असल में जिस तरीके से अमेरिकी सैटेलाइट्स का इस्तेमाल यूक्रेन और ताइवान कर रहे हैं, रूस और चीन से जुड़ी खुफिया इंटेलिजेंस जुटा रहे हैं, ऐसे में चीन ने अब ताइवान और यूक्रेन की कमर तोड़ने के लिए इस भस्मासुर को तैयार किया है। बीते 5 दशकों से नासा का मिशन मून ठप था। इस दौरान अमेरिकी स्पेस एजेंसी ने किसी भी इंसान को चांद पर नहीं भेजा, मगर 52 सालों के बाद चांद पर नासा के 4 अंतरिक्ष यात्री कदम रखने वाले हैं। आखिर कौन है वो एस्ट्रोनॉट्स जिन पर अमेरिका के मिशन मून को सफल बनाने का जिम्मा है? देखिए इस रिपोर्ट। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ऐसे पहले शख्स बने जिन्होंने चांद की धरती पर कदम रखा था। और इसके साथ ही चांद पर जाने की संभावना लगातार प्रबल होती गई।
हालांकि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने 1968 से 1972 के बीच कुल 24 अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजा, मगर 5 दशक बाद अमेरिका एक बार फिर से चांद पर इंसानों को भेजने वाला है। दरअसल साल 2024 में आर्टेमिस 2 चंद्र मिशन पर भेजा जाएगा। इसके लिए नासा ने 4 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया है। नासा के मून मिशन में 1 महिला और 3 पुरुष शामिल हैं। 3 अप्रैल को ह्यूस्टन में एक कार्यक्रम के दौरान नासा ने 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की। इन यात्रियों में से 3 अमेरिकी और 1 कैनेडियन नागरिक हैं। ये 4 अंतरिक्ष यात्री अगले साल के अंत तक चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाकर धरती पर वापस लौटेंगे। नासा मून मिशन में जाने वाले रीड विस्मैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच अमेरिकी, तो वहीं कनाडा के जेरेमी हेंसेन भी बतौर अंतरिक्ष यात्री चांद पर जाएंगे। आपको बता दें कि कनाडाई एस्ट्रोनॉट हेंसेन को छोड़ बाकी सभी लोग पहले भी अंतरिक्ष में जा चुके हैं।